नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिल्किस बानो केस के जो अपराधी थे उनको दोबारा जेल में जाना चाहिए। तो ये सवाल उठता है कि उनको छोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, गुजरात की सरकार, दिल्ली की सरकार, दोनों ने मिलकर उनको छोड़वाया, उनके नेताओं ने छोड़वाया, उन्होंने सिफारिश की और उस पर प्रधानमंत्री चुप रहे। और वो भी तब छोड़ा गया जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण महिलाओं के ऊपर दे रहे थे, उनकी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे और एक तरफ गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा कर दिया। और केस चल रहा था वो मुंबई में, मुंबई से सजा हुई थी, घटना हुई थी गुजरात में। इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी सरकार ने महिलाओं के प्रति किस प्रकार से रवैया अपनाया, आज महिलाओं के दिमाग में प्रश्न है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस किस हद तक जा सकती है। महिला पहलवान हो, उसके साथ अन्याय हो तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मणिपुर की घटना हो तो भी एक एक महीना तक चुप रहते हैं, फिर एक वीडियो आता है तब जाकर वो एक अपना कुछ चंद सेकंड के लिए अपना मुंह खोलते हैं। बातें करना महिलाओं के बारे में, अलग अलग उनको न्याय देना, उसके बारे में योजनाएं बनाना, महिला बिल लाना, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है उस समय सरकार मौन हो जाती है और सरकार के मंत्री हो, महिला मंत्री हो, वो भी सब एक मौन बनाकर चुप हो जाते हैं। तो सभी की चुप्पी इस प्रकार से दर्शाती है कि सरकार के ऊपर सवाल आएगा तो कोई भी सरकार जवाब नहीं देगी और सरकार मौन हो जाएगी। महिला पहलवानों के साथ भी यही हुआ। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से संसद में जब आवाज़ उठाई जाती है विपक्ष की तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, 140 से ज़्यादा सांसदों को निकाल दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनको भी खालिस्तानी बताया जाता है, नौजवान हो, सेना में अग्निवीर ले आए, तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहती है और जो जनता के मुद्दे हैं उसको न सुनकर फिर वो चुनाव जीत जाती है। तो उनको ये पता चल गया है कि जनता के मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं चुनाव जीतने के लिए। उनके पास चुनाव जीतने की एक अच्छी खासी एक चाबी आ गई है कि जब चुनाव आएगा कुछ योजनाएं का कुछ और नए नए सपने दिखाएंगे, नए वादे करेंगे, लेकिन 10 साल में जो क्या उन्होंने काम किया है क्या नहीं किया है उसका हिसाब नहीं देंगे। फिर अभी इस समय राम मंदिर का मुद्दा कि मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा ट्रेंड चालू किया है कि यदि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे तो बोलते हैं कि हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने विरोध किया कि किस प्रकार से ये उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिर बना नहीं है, अधूरा है। और सनातन धर्म में शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं है, उनको देना चाहिए स्थान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनके समर्थक है वो ये समझ लिए है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का और उसका कोई विरोध करे तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, वो शंकराचार्य हो या महिलाओं का मुद्दा हो, किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, यदि सरकार से कोई सवाल किया तो इन लोग सीधे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका तुरंत विरोध करना चालू करते हैं, अनाप शनाप लिखना चालू कर देते हैं। तो इन्होंने ये एक टीम कैसे बनाई है कि जो ऐसी टीम है अंधभक्तों की, वो टीम देश में कुछ भी हो जाए, देश का कर्ज 55 लाख से 205 लाख करोड़ रुपया हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उसके ऊपर सवाल किया जाए तो भी उसका जवाब नहीं देंगे और बोलेंगे कि नहीं बराबर ही है, 100 रुपया पेट्रोल हो जाए तो भी बोलते हैं बराबर है, महंगाई चरम सीमा पर हो तो भी बोलते हैं बराबर है, भ्रष्टाचार हो, अदानी का इतना बड़ा कांड आया तो भी वो कोई सरकार जवाब देने में नहीं। और उन्होंने जो समर्थक बना रखे हैं, इतने कट्टर समर्थक कैसे बन गए, उसका कारण यही है कि एक नफरत की राजनीति जो धीरे 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 लोगों के ब्रेन वॉश करते गए और उसमें मुख्य भूमिका मीडिया की भी रही। मीडिया को जो काम करना चाहिए था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझकर, मीडिया सरकार की गुलामी करने लगी, सरकार के गुणगान करने लगी और मीडिया को लगा कि उसी से हमारा फायदा है, उससे उनको विज्ञापन मिलता है और सरकार के तरफ से अलग अलग उनको सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन जो जनता की आवाज़ होती थी वो मीडिया ने उठाना बंद कर दिया।
उन्होंने चालू कर दिया, हिंदू मुस्लिम चालू कर दिया और उसके ऊपर डिबेट करते हैं, सरकार की योजनाओं का फायदा बताते हैं, दिन भर गुणगान करें। लेकिन जो आम आदमी जनता के मुद्दे हैं उसको मीडिया ने एक तरह से खारिज कर दिया और धीमे 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 इन लोगों ने इस प्रकार से स्लो पॉइजन की तरह नफरत का बीज बोते गए, हिंदू मुस्लिम किया, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाया, अलग अलग जातियों में बांटा। अब वो उनके ऐसे कट्टर समर्थक हो गए कि यदि उनके सरकार के खिलाफ कोई भी यदि उनकी आलोचना करे, उनकी योजनाओं की आलोचना करे, तब भी वो यही कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है। आधा अधूरा मंदिर अभी बना है, सबको पता है कि चुनाव नज़दीक है, उसके लिए ये 22 तारीख को उद्घाटन करके जल्दी से जल्दी और उसका चुनाव में लाभ उठाने का कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य को भी ये नहीं मान रहे हैं और जो सनातन धर्म में है उन्होंने भी कई चीज़ें बताई कि ये इस प्रकार से नहीं हो सकता है, जब तक पूर्ण मंदिर न बन जाए तब तक उसका नहीं कर सकते प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन इनको चुनाव नज़दीक दिखाई दे रहा है और चुनाव नज़दीक दिखाई देने के बाद उनको लग रहा है कि इस बार सारे मुद्दे जनता फिर भूल जाएगी। क्या बेरोजगारी रही, क्या कोरोना में रहा, किसानों के साथ क्या हुआ, महिलाओं के साथ अलग अलग राज्यों में क्या क्या अत्याचार हुआ, तो उस पर सरकार मौन हो जाती है, जिस प्रकार से अभी बिल्किस बानो में मौन हो गई। लेकिन जहां अन्य विपक्ष की पार्टियों की जहां सरकार हो तो वहां प्रधानमंत्री जाकर बोलेंगे, कन्हैया कुमार की बात करेंगे, दर्जी की बात करेंगे कि उसको कैसे मार दिया, तो वहां पर भी वो अलग अलग प्रकार से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे। धर्म के नाम पर वोट मांगना, नफरत के नाम पर वोट मांगना, सभी संस्थाओं को अपने मैनेज करके उसका अलग अलग प्रकार से दुरुपयोग करना कि ईडी का उपयोग कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर, जहां कोई विपक्ष का नेता यदि उनके खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर ईडी की जांच हो जाती है, उसको किसी न किसी तरफ से परेशान करके जेल में डाला जाए। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जहां उनको सरकार गिरानी हो बनानी हो तो भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करा लेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार का नाम लिया कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, अजीत पवार के पास रोज ईडी जाने लगी, छगन भुजबल के पास जाने लगी, लेकिन वो तुरंत वो सत्ता में बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तब वहाँ पे ईडी अब जाना बंद कर दी। तो ये है असली चेहरा कि भ्रष्टाचार का केवल नाम लेना है और सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में पनाह देना है। सरकार के जो खिलाफ हो वही भ्रष्टाचारी है, जो सरकार के साथ है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। इन लोगों ने पूरे देश में मुकुल रॉय हो या अलग अलग राज्यों में कहीं कर भी आप देख लीजिए, जो जो भ्रष्टाचारी थे या तो उनकी आवाज़ दबा दी गई या तो उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। अब जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है तो उसके पार भी इन लोगों को तकलीफ है, इंडिया का भी नाम उन लोगों ने इंडी बोलना चालू किया, इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन। वो उसका जवाब नहीं दे पाते जो इंडिया एयरलाइंस सवाल कर रही है कि क्यों इतनी महंगाई है, देश का कर्ज क्यों इतना बढ़ गया, बेरोजगारी क्यों है, 45 साल में सबसे इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई, तो उसका जवाब न देकर वो धर्म के नाम पर बोलेंगे ये तो दुश्मन है, धर्म विरोधी है, उसका अलग अलग प्रकार से कार्टून बनाएंगे। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, सरकार का काम यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी आवाज़ सुनी जाए, विपक्ष हो जनता की आवाज़ मजबूत करे, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं उसको उठाए, और सरकारें बनती है जनता के मुद्दे के लिए कि हम आएंगे तो आपका ये काम करेंगे, अच्छी योजनाएं लाएंगे। लेकिन धीमे धीमे ऐसा होते गया कि जो उद्योगपति थे बड़े बड़े 4-5 वो पैसे वाले होते गए और जो गरीब था वो मध्यम वर्गीय गरीब था वो और गरीब होता गया। सरकार ने उसका 5 किलो अनाज देना चालू कर दिया, उस पर भी वो बोलते हैं कि लाभार्थी है, उस पर एहसान दिखाते हैं कि हम आपको अनाज दे रहे हैं। सरकार की विफलता के कारण 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्या उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन 5 किलो अनाज देना बंद करेंगे तब ये क्या हालत होगी देश की, जनता सड़क पर आ जाएगी। फिर
फिर बोलते हैं कि हम आपने आपको इतना सिलेंडर दिया, वो सिलेंडर का बात करते हैं कि मैंने आपको इतनी संख्या में दिया। तो सिलेंडर तो पहले भी लोग यूज कर रहे थे और धीमे धीमे सिलेंडरों की संख्या बढ़ती जाती है, आबादी के हिसाब से लोग लेते रहते हैं और सरकार उसको देते रहती है। लेकिन इन्होंने उसको भी अपना श्रेय लेने के लिए किया कि सिलेंडर गैस का हम आपको दे रहे हैं, और ऐसा बताते हैं कि इसके पहले आपको कोई देता ही नहीं था। वो ये बात नहीं करते हैं कि पहले सिलेंडर का क्या दाम था और आज क्या दाम है, वो उसकी बात नहीं करेंगे। वो ये बात करेंगे कि मैंने आपको दिया, किसानों के खाते में चुनाव आएगा तो कुछ पैसा डाल देंगे, तो उनको लगेगा कि मेरे को कुछ डायरेक्ट पैसा मिल गया। चुनाव के नज़दीक आने के बाद पैसा डालना, उन लोगों को देना, ये चुनाव जीतने का उनको पता चल गया है कि जो लास्ट में जो उनको लाभार्थी बना दिया जाए, जो लालच दिया जाए, उसके हिसाब से जनता समझ जाती है। और 5 साल क्या किया, काम नहीं किया, सरकार ने क्या क्या उनके साथ किया, क्या क्या उनको परेशानी हुई, उनको पता है कि जनता सब भूल जाती है। आखिरी में बड़े बड़े विज्ञापन पूरे भारत में, जगह जगह पोस्टर, बैनर, टीवी पर, मीडिया पर केवल सरकार के ही पोस्टर, दिन भर मोदी जी के पोस्टर दिखाई देंगे। किसी भी सिटी में, किसी भी जिले में, कहीं पर भी चले जाइए, केवल प्रचार करना, बड़े से बड़ा होर्डिंग लगाना। और जो जनता को ज़रूरत है कि जो रोज़गार चाहिए, महंगाई कम करना है, उसके बारे में सरकार जवाब नहीं देगी। सरकार की नीतियों के कारण डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, रुपया गिरते जा रहा है, सरकार उसके बारे में जवाब नहीं देगी। अपनी विफलताओं के बारे में जवाब न देकर सरकार केवल अलग अलग प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके फिर से चाहती है कि वोट ले ले। अब ये जनता को सोचना है कि 5 साल 10 साल का हिसाब लेना है सरकार से, कि उनके फिर से नए नए वादे में आना है, किस प्रकार से लोकतंत्र में जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, सांसदों की आवाज़ दबाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आकर बोले शुरुआत में कि अच्छा नहीं चल रहा है, और इनके खिलाफ कोई भी हो आ जाए, यदि महिला पहलवान हो या कोई समाज सेवी हो या राजनीतिक दल हो, कोई भी हो, सरकार से सवाल करे तो सीधे वो उनको दुश्मन मान लेते और बोलते हैं ये देश विरोधी है। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी यदि बोलते हैं तो भी उनको, वो शंकराचार्य के भी ऊपर चले गए, उसको भी किनारे कर दिया इन्होंने। अब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, अब उसमें भी कितने लोगों को, वो किसी के नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने आंदोलन किया था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को, उसको नहीं बुला रहे हैं। उनके सीनियर आप देख लीजिए कितने नेता हैं, किसको निमंत्रण मिला है, किसको किसको नहीं मिला है, किसको मिलना चाहिए था। तो सारा का सारा श्रेय अपने ऊपर लेकर 2024 का चुनाव जीतना कि किस प्रकार से हम चुनाव में फिर सत्ता में बैठ जाए, जनता को फिर एक नए वादे और नए सपने के साथ फिर से गुमराह करना, ये एक सरकार की एक सोची समझी साजिश चल रही है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा, देश के अलग अलग जनता के लोगों ने कहना चालू किया कि इस प्रकार से जीत होती कैसी है, जब जनता में इतना आक्रोश है, लोग नाराज है, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सेना में अग्निवीर लाए, तो जब सभी लोग परेशान हैं, तो इतनी महंगाई से तो इनको वोट कौन देता है। तब प्रश्न आया कि ये ईवीएम के द्वारा तो कुछ नहीं गड़बड़ी होती है, तब ईवीएम के बात आया तो लोगों ने, सबको लगने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी जीत हो जाए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सबको लग रहा था कि सरकार इस बार वहां पे कांग्रेस की बनेगी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत हो जाती है। फिर ईवीएम के ऊपर कोई बड़ी शंका न करे, कोई छोटे मोटे चुनाव आते हैं तो उसमें विपक्ष जीत जाता है, फिर वो भी चुप हो जाता है, कोई उपचुनाव आए तो उसमें विपक्ष जीत जाता है, फिर वो शांत हो जाते हैं,
फिर कोई बड़ा चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तब विपक्ष बोलता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। फिर कुछ दिन हल्ला गुल्ला करते हैं, कुछ दिन आंदोलन करते हैं, कुछ वो लोग अलग अलग बयान देंगे, बाद में सब भूल जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिखाया कि किस प्रकार से ईवीएम हैक होती है। उन्होंने एक डेमो बनाया ईवीएम के तरह का और उसको दिल्ली में दिखाया पब्लिक के बीच में कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, ईवीएम में क्या क्या उसमें गड़बड़ियां हो सकती है, उसका उन्होंने दिखाया कि ये चीज को आप सुधार करिए। यदि इसमें लोगों को ये शंका है कि काला कांच क्यों है, वीवीपैट की पर्ची पब्लिक को क्यों नहीं दे देते हैं, जो वोटर आता है उसको पर्ची दे दीजिए, वो एक अलग बॉक्स में डाल दे, तो चुनाव आयोग वो करने के लिए ऊपर नहीं है। लोग कहते हैं बैलेट पेपर से कराइए तो सरकार बोलती है और चुनाव आयोग की बैलेट पेपर से भी नहीं करा सकते। तो वोट एक एक देना सबका अधिकार है और वो एक एक वोट जानना भी अधिकार है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमको जानने का अधिकार है कि वोट कहाँ गया। सरकार जानती है, चुनाव आयोग जानता है वोट कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट का वकीलों का आंदोलन चालू है, देखते हैं चुनाव आयोग क्या करता है इसमें कि 2024 के चुनाव फिर ईवीएम से ही होगा, कि 2024 के चुनाव में लोगों का विश्वास जीतने के लिए चुनाव आयोग फिर कोई नया निर्णय ले, बैलेट पेपर से करवाए, और जो लोगों को शंका है कि वीवीपैट की पर्ची उनको दे दी जाए तो उनको क्यों नहीं देने में चुनाव आयोग है। तो जो उसमें यदि कमियां लगती है, जो सुधार करने की जरूरत है, तो उसको चुनाव आयोग सुधार करे और एक निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतंत्र मजबूत हो, ऐसा लोगों का मानना है। तभी एक मजबूत देश, मजबूत लोकतंत्र होगा जहां जनता की आवाज़ होगी, जनता के प्रश्नों को नेताओं उठाएंगे और जनता का काम होगा। नहीं तो तानाशाही इस प्रकार से बढ़ेगी कि लोग कोई भी आवाज़ उठाए उसका कोई सुनेगा नहीं। सबको ये लगने लगा कि चुनाव तो ईवीएम से होगा तो कोई भी जीत जाएगा। उसके कारण लोगों में एक शंका का विषय बन गया है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई सुनने वाला ना हो तब किस प्रकार का लोकतंत्र चल रहा है, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न होता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।